ऐसा था कि मैसिव बॉयज एक बड़ा चैप्टर है, तो उसकी तीन क्लासें हमें ऊपर से आदेश मिला था कि तीन क्लासें आई थी, तो दो क्लासें हमने उसकी करवा दी हैं। आज ये समाप्त हो जाए तो आज आपकी तीसरी क्लास होगी, लास्ट क्लास है ना। बड़े ध्यान समझना, स्पेशल रूल्स हैं कुछ, तो बॉयज की आज लास्ट क्लास होगी। तो कुछ स्पेशल रूल्स हैं, देखो पहला स्पेशल रूल्स ये कहता है कि इंक्वायरी में हो, तो मैंने थर्ड फॉर्म करा दी है ना, इंक्वायरी हो क्या दिक्कत है, बस है इंक्वायर्ड। अब इंक्वायरी के साथ इंटू लिखा होगा अब इंटू क्या हो गया, एक प्रोपोजिशन, इंटू क्या हो गया प्रोपोजिशन। उसके बाद एल ए यू जी लास्ट के साथ एड लगा हुआ होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन होती है कि इसके साथ ये प्रोपोजिशन लगना ही लगना है, ये तो लगी ही नहीं ही। बाई जो आप बाई लगाते हो पैसे बाईस में होती तो वो भी प्रोपोजिशन है, लेकिन अधिकतर एक ही प्रोपोजिशन तो लगेगी, लेकिन ये प्रोपोजिशन है अगर ये रहे तो इनको लगी ही रहने देना। एक है लुक्ड आफ्टर, तो एक इंक्वायरी के साथ एक लाभ के साथ इसको लुकिंग आफ्टर, लुकिंग ये हो गई। आगे देखिए सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर ये होती है रिसीव्ड है ना, इनके साथ दी हुई प्रपोजिशन में नहीं हटाते हैं, अगर ये प्रोपोजिशन चार है ध्यान रखना, अगर कहीं पे इंक्वायरी आ जाए तो कहीं पर लाभ आ जाए, कहीं लुक आ जाए, कहीं खर्च खर्च आ जाए, अराइव आ जाए, इनके साथ ये प्रोपोजिशन फिक्स वाली होती हैं। और देखो प्रोपोजिशन बाई भी होता है, जी देखो अब तो आपको जानकारी हो गई होगी भाई, इनटू प्रोपोजिशन, एट प्रोपोजिशन, आफ्टर प्रोपोजिशन, फॉर प्रोपोजिशन, एट और पैसिव वॉइस में ये प्रोपोजिशन पहले से ही लगी हूँ। तो आप जब पैसिव वॉइस बनाना तो इनको हटाना नहीं है, इनको हटाना नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल में देख लीजिए, द जज इंक्वायरेड इंटू द केस, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द गर्ल्स लाफ
फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। लुकिंग आफ्टर हर आगे सी वाज सर्चिंग फॉर हर लवर। ही अराइव्ड एट कंक्लूजन। ही अराइव्ड एट कंक्लूजन। अब ये देखो इसमें एट द कंक्लूजन, इसमें पहले से ही ये लगे हुए हैं प्रोपोजिशन। अब आप ये समझो कि हम बाई ही ना लगाएं तो ये गलत बात हो जाएगी। देखो ये सेंटेंस है, जब इनटू आ जाए किसके साथ, इंक्वायर के इंक्वायरी के साथ, लाफ आ जाए एट के साथ, लुकिंग आ जाए आफ्टर के साथ, सर्चिंग आ जाए फॉर के साथ, अराइवल के साथ आ जाए एट, ठीक है, तो ये तो लगना ही लगना है। तो आप क्या सूत्र तो वही रहेगा, कौन सा बताए थे, एक बताए थे ऑब्जेक्ट, एक एन टी टी एच पी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वाई और एक सब्जेक्ट। आई एन जी वाले के लिए क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई और सब्जेक्ट, ये बताए थे। इसमें कुछ नहीं है, जैसा आप पहले बनाते चले आए हो वैसे ही बनाओ, है ना, लेकिन प्रोपोजिशन साथ में रहने दो। कैसे, द केस ऑब्जेक्ट हो गया, बताओ ये सेकंड फॉर्म है कि हुई, कौन से टेंस में होगा, सिंपल पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प बन रहेगी, तो क्या रहेगा केस के साथ, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ इंक्वायरी। अब हम यहां लगाते बाई और सब्जेक्ट माना हो जाता क्या, द जज। ये है लेकिन इसमें इंटू पहले से ही लगा है, इसमें इंटू पहले से ही लगा है, तो इसमें इंटू लगा रहने दीजिए। मैं ये बता रहा था ना क्यों लगा रहने दीजिए, इनके साथ बाई तो तुम जब लगा रहे हो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इंक्वायरी के साथ हमेशा इंटू और लाफ के साथ हमेशा एड और लुकिंग के साथ हमेशा आफ्टर, सच के साथ हमेशा और अराइव के साथ हमेशा एड लगता ही लगता है। नहीं होगा तब भी हम ये लगाएंगे, नहीं होगा तब भी हम इनको लगाएंगे। इसको बनाओ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिम, तो क्या लगाओगे, यहाँ पर भी बाय नहीं आएगा दोनों, हाँ यही दोनों आएंगे। क्यों दोनों आएंगे, क्योंकि ये जो है इंक्वायरी इंटू डेट के बाद फिक्स होता है, एक ही बात, हाँ इसीलिए कितनी है तो कितने बार है, चार तो है, एक इंक्वायरी एक लाभ एक लुकिंग सर्च और एक, यही तो मैं बताने जा रहा था यार। अच्छा क्यों अब इन तुम दोनों को भी खींच के ले जा रही है, थोड़ी देर में चले जाना भी फोटो खींच बैठो एक कोई फेंक दो तुम,
तो हिम का मैंने क्या कर दिया, आगे आ गया अनेक्स्ट टेंस की एंड की वर्ब, तो क्या लगाओ भाई, वाज लगाओ भाई, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म लव एल ए यू जी एस टी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये फिक्स है, इसको लगा रहने दो, आप लगाओ भाई, अब ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, द गर्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा, द गर्ल। बात समझ में आ गई, क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको बताऊँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, तो आगे देखिए हरियाणी सी। अच्छा इसको बनाओ भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बनाओ, सी वाज, इसमें तो आईएनजी है, आईएनजी वाले के लिए कौन सा लगाओगे, नीचे तो इज है, तो सी के साथ भी क्या लगेगा, लेकिन आगे क्या जुड़ जाता है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या है, लुकिंग, तो अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड, और उसके बाद ये आफ्टर जो था वो लगा रहने दीजिए, क्या करने दीजिए, लगा रहने दीजिए, अब लगा दीजिए क्या, बाई, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, हर फादर। इस रूल्स में, पहले वाले रूल्स में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो चार वर्ड है इनके साथ अगर ये वाली जो प्रोपोजिशन आए तो उनके साथ ही आपको लगाना पड़ेगा, है ना, उनके साथ ही लगाना पड़ेगा। आगे देखिए हर लवर, ठीक है भाई, हर लवर हो गया, खाली हर होता तो सी में बदल देते, वाज, बीइंग, सर्चेड, सर्च, है ना, और बाई, हर, ये फॉर लगा रहे दिया, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको, आगे साइन कर देना सब लोग, ठीक है, आगे देख लीजिए द कंक्लूजन, द कंक्लूजन ये पार्ट के डिफरेंट में है, वाज, राइट, है, वाई, इन, सर ये वाला जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस में था, ये वाला, हाँ, हाँ? तो पास्ट कंटीन्यूअस के अगले टेंस से बनेगा, आईएनजी वाला उसी टेंस में रहता है, अच्छा वही वाला रूल फॉलो है, देखो आईएनजी वाला से कौन सा वाला रूल है, आईएनजी वाला, इसीलिए तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं, क्या, बीम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये एनटी की एचवी यानी नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस की, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगाओगे, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बना रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाओगे, लेकिन जिसमें आईएनजी हो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस तब आगे का नहीं बनाना है, तब उसी का बनाना है ना, समझ में आ गई, चलो आगे देखो। अब मैं आज वो मौका आया है बहुत इम्पोर्टेंट, लास्ट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ आपको बाई नहीं लगाना है, किसके साथ आपको, अब जैसे ये है ये लाभ, इसके साथ कभी बाई लगता ही नहीं है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी है, तो यही रहेगा, लेकिन अगर पहले से ही लगा के देते तब अपने आप से क्या लगाओगे, बाई, तो लगी रहे तो नहीं हटाते हैं, ये सब ये है ना, हाँ आगे देखिए,
आप लिख लीजिए पढ़ लेना। हो गया ये सर, ये वाला हो गया, ये नहीं होगा। चलो लिखी है, दो बातें लिखी है कि नो और ओब्लिक, नो मीन जानना और ओब्लिक मीन कृपा। तो ये दोनों वर्ड के साथ टू लगाएंगे, कैसे 22 बनाते हैं और किसी चीज का यूज नहीं करते, लेकिन टू बहुत सारी चीजों के साथ लगता है। देखो कुछ दूसरा, देखो प्रेफर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं प्रेफर कह दूं, वो तो कह दिया मैंने प्रेफर, इससे अच्छा है मैं प्रेफर्ड ही कह देता, आर ई प्रेफर्ड, क्योंकि ई डी वैसे भी लगता है ना, तो इसीलिए मैं नहीं कहा प्रेफर हूं, क्या हो प्रेफर। उसके बाद प्रेफर के साथ हो प्रेफर हो गया रिप्ले, रिप्ले का मतलब है किसी को क्या देना, आंसर देना। रिप्ले का मतलब क्या होता है, किसी को आंसर दो, अब तक हो रहा है। आगे देख लीजिए इनवाइटेड, इनवाइटेड नो ओब्लिग जब भी ये वाले अगर आपको कहीं भी वर्ब मिल जाए ना, तो इनके साथ आप वाई लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद ही करना है। मुझे तो सबसे पहले पेपर में ये दो पढ़े थे, लेकिन अब पेपर में आया था ये पेपर, तो पेपर भी हो गया। अच्छा दिमाग देखो, कहते हैं लिसन टू, कहते ना लिसन टू, इनवाइटेड टू, तो इनवाइटेड और लिसन ये भी याद हो जाएंगे। अब बचे कौन से, रिप्ले कंपेयर्ड और एडिक्टेड, ये याद कर लेना। इनके साथ जब भी आप पैसे वाइज बनाओ, लेकिन मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो
एग्जाम्पल लिखेंगे। मिस्टर शर्मा 9वीं, मिस्टर शर्मा मुझे जानते हैं, मिस्टर शर्मा मुझे जानते हैं। सर ये न्यू भी नहीं हुआ अभी, न्यू के साइन नहीं हुआ। अच्छा, मिस्टर शर्मा मुझे जानते हैं। आगे आई ऑब्लाइज हूं, मैं उसका आभारी हूं। सी इनवाइट टू सी इनवाइटेड मी टुडे, सी इनवाइटेड मी टुडे। यू लिसन टू मी, लिसन टू मी, ही लिसन, ही लिसन टू मी। देखो वो अपने आप आ जाता है ना, तो फाइल को ही लिसन टू ऐसे कहा, ही लिसन टू यू, लिसन टू। ये ऐसे वाले सब नो आ गया, ऑब्लाइज आ गया, इनवाइटेड आ गया, लिस्टेड आ गया, प्रेफर्ड आ गया, है ना। आप ईडी से मत जुड़ो, थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ये आ गए तो आपका जो रूल्स है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट टेंस की है नंबर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट, तो ये सब कुछ वैसा ही है। वाई की जगह पे आप क्या लगाने लगोगे, यकीन मानो। और ये जो बुक है उसमें एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऐसे ही लिखा है, इसमें लिखा है मीटर शर्मा नौमी नौमी, और उसमें है आई नो हिम। तो अगर जे वर्ब है तो आप वाई मत लगाओ, किसमें किसमें जो ऊपर मैंने लिखा तो दिए प्रेफर अप्लाई यूनाइटेड नो अप्लाई कंपेयर एडिटेड और जैसे कि, तो बनाओ उसको आपके कौन सा आई क्या हो गया। नेक्स्ट टर्म की हेल्प में नो है, पहले हेल्प में लगाओ किसमें है, कि बताना जरा। एस लगा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में लगाओ, तो ऐसा क्या लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म नो नोन होता है के एन ओ डब्ल्यू नो। अब हम लगाते बाई, लेकिन बाई लगाएंगे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, मिस्टर शर्मा ये बन गया समझे, आई नॉट टू मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा को जानता। आगे ही वाज पी पास में है ना, तो ओब्लाइज्ड टू मी है ना, जहाँ जहाँ पे बाई लगना चाहिए वहाँ वहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, टू लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे बाई लगना चाहिए वहाँ वहाँ पे टू लगा रहा हूँ। अच्छा ये एक अच्छी बात है, देखिए मुझे ध्यान से, आप ऑब्जेक्ट बनाओ आई एंड नेक्स्ट टेंस की हेल्प नंबर बार लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे इनवाइटेड है ना, इनवाइटेड। आगे टू, अब सी की जगह पर क्या हो गया हर है ना, कुछ तो बच गया, क्या बचा टूडे, जब काम का नहीं है तो जैसे रखा था वैसे ही रखा रहने दो, बात समझ में आई। अगर बाई से पहले है तो बाई से पहले रखा रहने दो। आगे देखो आई वॉज लिसनिंग टू यू, ही प्रेफर्ड, he was preferred to you, ये ऐसे बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ब आप याद रखना। इनके साथ कभी भी by का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा टू का यूज होगा, टू का यूज।
आगे देखते हैं जनरल डाउट कर लीजिए। वही कितने पढ़े थे, एक तो उनका सबसे पहले पढ़े थे इंटर में, फिर बिल का पढ़े थे, फिर ऐड का पढ़े थे, फिर इनका पढ़े थे, इन्हीं चारों का ही तो पढ़े। और हमेशा यही आता है तुम्हें नहीं पता अगर ये प्रोपोजिशन आपने सीख ली तो पांच नंबर किसी के बन जाते हैं। इसमें कोई चाहे एस एस सी सी जी एम का हो, चाहे एम पी एस का हो, और चाहे वो सी एच एस एल का हो, पांच नंबर बन जाते हैं। क्योंकि भरने के लिए जो आती है क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट में जो भरने के लिए आती है वो प्रोपोजिशन ही आती है और जे चार आते हैं हमेशा, तो वो आपको समझना पड़ता है। उसमें फॉर भी आता है। आगे देख लीजिए, अगला रूप तीसरा देखो, सप्लाई एक वर्ड कौन सा है, सप्लाई सप्लाई मतलब सहानुभूति, प्रोवाइड 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 मीन्स होता है प्रदान करना, प्रोवाइड। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कंपेयर है ना, ये कंपेयर, ये कंपेयर है जो इसके साथ आप टू भी लगाओगे और कभी कभी क्या लगाना पड़ जाएगा, विथ भी लगाना पड़ जाएगा, वो आप तुरंत सेंटेंस में समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अपॉइंट, अपॉइंट क्यू यू ए आई, अपॉइंट एक है प्लीज, प्लीज ए होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई एक हो गया सेटिस्फाइड और एक आ जाएगा डिससेटिस्फाइड। एक हो गया डिसगस्ट, क्या कहते नहीं है हाउ डिसगस्ट, चलो प्लीज जैसे प्लीज लिखा है यहाँ पे प्लीज प्लीज काम कर ये प्लीज, तो डिसप्लीज भी आ सकता है। एक है डिस्गस्ट, डिस्गस्टेड, झगड़ा, क्वारलेट, माउंटेन द माउंटेन एंड द स्क्वायर हैड ए क्वारल, नाइन्थ में था ना कि पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ तो वहां पे लिखे आता है क्वारल, क्वारल में क्या होता है झगड़ा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए वर्ड अगर आ जाए कहीं पर भी डिससेटिस्फाइड हो गया ना, सेटिस्फाइड। अच्छा डिससेटिस्फाइड भी बचा, ये और लिख लीजिए डिससेटिस्फाइड हो गया। सप्लाई हो, सिंपथाइज हो, प्रोवाइड हो, कंपेयर्ड हो, कंपेयर्ड तो टू भी लग जाता है भी लग जाता है, अपॉइंट हो, प्लीज्ड हो, डिससेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, डिसप्लीज्ड हो, डिसगस्टेड हो, क्वारलेड हो, इन वर्ब वाले सेंटेंसों पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाई के स्थान पर विद का यूज होता है, विद का यूज होगा, ये वर्ब अगर कहीं पर
आगे को। लेकिन तुम सबसे इम्पोर्टेंट कितने कौन कौन से याद रखना, एक नीड याद रखना, एक सेटिस्फाइड याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सी याद रखोगे, सबसे ज्यादा एक प्लीज्ड, ये प्रसन्नता वाला है तुम्हें, और एक है सेटिस्फाइड। एक है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है मतलब संतुष्ट। तो इनके साथ कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड खुद निकल आता है विद मीन से, वह मुझ पर हंसता है लाभ मीन अपने आप आ गया लाभ के साथ ऐड ऐड मीन पर। तो यही है भाव के अनुसार ही इन दो प्रोपोजिशन लगती है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल ऊपर भी होता है।
तो आपने टू का रूल्स पढ़ दिया, किसका पढ़ लिया, किसका पढ़ोगे कि मैं इस बात पर आश्चर्य हूं, ऐड रहेगा सरप्राइज के साथ, वह मुझ पर हंसता है, लाभ के साथ फिर ऐड लगेगा, मेरा उद्देश्य इस काम पर है, तो एम के साथ भी क्या लगेगा, एड लगेगा। तो अगला रूल्स देख लीजिए, he laughed at me
वह मुझ पर हंसा। इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? एक सरप्राइज्ड और एक लास्ट, दो वर्ड इनके साथ तो ध्यान ही रखना कि एक ही लगेगा, एक ही लगेगा इनके साथ, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही लगेगा। Interested.
कमीशन होता है, मतलब
डिवाइड करवाऊँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूँ, जनरल दे मैड
कैलेंडर बनाया गया। वी क्राउनेड हिम किंग, क्राउनेड, क्राउनेड मींस ताज पहनाया, हिम मींस उसको, किंग मींस राजा का, हमने उसे राजा का ताज पहनाया। वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन, वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, कैसियर। तो ये सभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि क्योंकि इनमें क्या बनाया जा रहा है, कोई पद पर रखा जा रहा है, किसी पद पर रखे जाने पर पहले साइंस में सब्जेक्ट कहता जाता है। इसमें क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी। इसमें क्या बना दिया गया, इसमें क्या बना दिया गया, वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो बनाओ, कैसे बनाओ, बनाओ। सबसे पहले तुमने बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब में क्या है, ह्यूमन। क्या है, हिम की जगह हमने क्या लगा दिया, ही। नेक्स्ट एंटी हेल्पिंग वर्ब बार, पर की घर पर इलेक्टेड है ना। अब ये क्या है, सेक्रेटरी। अब लगाते बाई और लगाते क्या, तो यहां से यही पर बनेगा इलेक्टेड सेक्रेटरी, उसे सेक्रेटरी चुना गया। ऐसे बना लो, ही वाज, पास्ट में जो मेन है, मेन है, ही वाज मेड जनरल, उसे जनरल बनाया गया, बाय देम नहीं लगे। आगे, ही वाज क्राउनेड, बाई अस नहीं लगे। हाँ, उनको घूम गया। ये वाला बनाओ, कैसे बनाओगे,
हंड्रेड कैफियर सब कुछ बैठा ही है, केवल बाई और वो सब्जेक्ट छोड़ दिया है और क्या। पर इसमें सब्जेक्ट जैसे दे और बी है, इसके अलावा आई होता है, ये सब छोड़ दिया जाएगा। देखिए आपको तो पता है ना कि एक तो जो एसनो वाले होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, और एक कैसे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो बैठक बैठ कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, सिस्टम थोड़ा डिजिटल
ये है तो इंट्रोवर्ट लेकिन इनसे सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें सब्जेक्ट पूछा जाता है कौन, जैसे ये है भाई तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोल चुका है तो इसमें तो सब्जेक्ट कौन है भाई, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हु गिव्स यू इन दिस, हु गिव्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो पढ़ाने वाला पता ही नहीं है, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाओ, ठीक है, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाओ, इन सेंटेंसों को कैसे कैसे छेड़छाड़ करो, देखो मैं बता रहा हूँ, सूत्र था आपका क्या, ऑब्जेक्ट नेक्स्टी है प्लस वर्ग की शर्तों प्लस वाई और प्लस, अरे यही तो सूत्र था, अब मैं इसको बदल दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव कर दे रहा हूँ, कैसे, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है तो हम भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई तो सब ऑब्जेक्ट उधर चला गया, ऑब्जेक्ट उधर चला गया, बाकी वर्ब की थर्ड और आई तो ऊपर वाले सूत्र की जगह पर अब कैसे बदल दिया हमने, नीचे वाला, अब नीचे वाला सूत्र यहाँ पर है एन टी पी एच डी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की कंफर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो इनमें क्वेश्चन वर्ड और मिल जाएगा, समझ रहे हो, उसी सूत्र से मैंने बना दिया, बताओ सूत्र में, सूत्र में क्या अंतर है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था हेल्पिंग वर्ब बाद में, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ऑब्जेक्ट बाद में, पूरा से तो बना, ये कैन है ना कैन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी कैन बी, यानी नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मॉडल में क्या लगता है, बी लगता है, उसने पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, अब दो वर्डों की अगर हेल्पिंग वर्ब हो जाए, दो वर्डों की अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो इंट्रोगेटिव में इकट्ठी नहीं लगती है, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बीच में लगा दो, ऑब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में आप इनको क्या आगे बात समझ में, दो शब्दों वाली कैन बी हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी स्पोकन बाई सब्जेक्ट क्या है, पहले एक सेंटेंस देख लो भाई तो कोई दिक्कत तो नहीं होता, अरे अगर दो शब्दों वाली आ गई तो एक पहली तरफ लगा देना ऑब्जेक्ट के बाद, लो इधर लो, हाँ ये तो दिक्कत वाली बात है, ये दिक्कत वाली बात हो, ये कौन सा वाला गया इजारम वाला, तो क्या इसका रंग नहीं पता था वो वाला, और ये प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस, अरे यही तो था, तो इसका जब इंटरप्रेटिव बनाओगे इधर देखो तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ कर देना और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, अब ये बन गया इंट्रोगेटिव को बनाओ, इसमें तो उसी टाइप की हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है, तो लगाना जरा देखियो, आर है तो आर लगाइयो, अभी लिखना मत, आर है तो आर, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है आलेखन, पहले यू था तो आर लगा, अब तो ऑब्जेक्ट उठ के ए लेटर आ गया तो अब क्या लगेगा, मैंने उसी टाइप की तो हेल्पिंग वर्ब रखी, बदली तो नहीं है, पहले ये यू था, यू के चक्कर में आर लगा था, अब आ लेटर आ गया तो हमने क्या कर दिया, तो ये उल्टा सीधा होगा, बाकी बीन की तो जगह नहीं बदली, तो बीन जहाँ पे था वही पे रहा, पर थर्ड फॉर्म बेटे वाई सब्जेक्ट कौन सा,
बताओ बड़े आसान बना रहे हो। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में लगाओ आप जो करना पर बाद में तो इजी लगेगा। इज द बाइबल जो लो हेल्प में लगेगा तो ऑब्जेक्ट का क्या वर्ब लगाओ वी की दी बाई सब्जेक्ट और ना ही तो रिपोर्ट कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे डू है अच्छा ये तो बढ़िया बात है ये डू देखे चक्कर चक्कर में डू लगाया प्लूरल यहाँ काइट भी तो आ रहा है तो प्लूरल होगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हाँ अब देखो द काइट अब यहाँ पे क्या हो गया वर्ब विथ नाउन फ्लोर वाई सब्जेक्ट क्या हो गया दे देखो कितना बन गया अब बे पतंग उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया उड़ा रही है तो तुम ये मत समझना कि दे एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं ऐसा होता कि दे रिस्पेक्ट अवर इल्डर है ना उन्हें बड़े का कहना मानना चाहिए तो फिर वो कुछ दिखता है तो फिर अनइम्पोर्टेंट बताओ ये सकते हैं कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आई बताओ इनको बनाने में कोई प्रॉब्लम कहाँ फिर से समझा तुम बताओ कौन सा कुछ नहीं किया सर जैसे ये कैन बी वाला आइस के और कौन-कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनके बीच में आ जाए कौन सा जैसे कैन बी है ये दो वर्ड वाला है कोई सा भी आ जाए दो शब्दों वाला हो एक बनाऊंगा हो देख लीजिए देखिए ही हैड ही वन द मैच आप बताओ ये किसका है क्या वे मैच जीत गए थे ये किसका है फास्ट पर फास्ट का इसमें अगर टेंस के एंड पर कौन से लगाओ हैड बीन बीन लगाओ ना 5% को 5% का दिन हुआ तो अब हम हैड से अब हैड बीन लगाएंगे तो दो शब्दों वाली एंड पर होगी कि नहीं होगी तो इसीलिए ऑब्जेक्ट अब कहाँ मिलाएंगे यहाँ मिलाएंगे देखो अरे है दो शब्दों वाली हो तो ये पल्ली तरफ कर देना ना बस अब कौन कौन और भाई अब तो आप मैं दो शब्दों वाली है तुम और मैं तो ये पल्ली तरफ भेज देना तो उतार दो उतार जैसे तो जो मतलब पल्ली तरफ इधर वाले संकेत में इधर बना
देख लीजिए बड़े ध्यान से देखो। हाँ तो इनके लिए यही सूत्र है, पश्चिम भाग कैसा था बता, जो हटा रख दिया। अरे पश्चिम भाग जैसा रखा था वैसा रख दिया। अब जैसा अभी बना के हटे हो वैसे ही तो बनाना है। क्वेश्चन वर्ड जैसा था वैसा रख दिया, जैसा अभी हटे हो वैसा ही बनाना है, है ना? क्या बनाओगे? हैज। अच्छा हैज की अगले टेंस की हैज की क्या होती है? अब दो है दो में भी तुम देगा तब कर रहा हो थर्ड फॉर्म तो लगी लगाई है, परफेक्ट में तो लगी लगाई होती है। अब भाई ये है कि नहीं ये बन गया, तुम बताओ ये पहले जैसा ही तो है। हैज बीन के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया और हैज बीन पर पॉसिबल वर्ड जैसा रखा है मतलब रखा रहने दो, इससे आसान हो गया। हां देखो हाउ अभी दिमाग में लाओ का क्वेश्चन आएगा तो बांझ ही लगेगा बन नहीं लगेगा। तो बांझ का क्वेश्चन अब यहाँ पर दो हैंड फिंग और भाई नहीं दो शब्द में तो एक ही है ना। और जो लग गया पर किधर कौन बताओ क्या है सॉल्व। तो सॉल्व बाय यू है। दिक्कत अब है किसके वाले संदेश में? होम वर्क वो वाला संदेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े ध्यान से सुनना। कैसे बनाओ भाई। अभी पहले लगा रहे हो क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो सब्जेक्ट है ही नहीं जो बाद में बाई लगाए। चलो मान लो देखो मैंने लगा दिया बाई हो, क्वेश्चन वर्ड से मान लिया है ना। आप बोले कि थैंक यू मैं लगाओ टीच का है तो क्या लगाऊं? टीच लगाऊं। ऑब्जेक्ट कौन सा है अब? जैसे ही आया यू तो बात गलत हो गई तो आर लगा दो है ना। अब टीच सी है का हो गया। अब यहीं पर आप इधर वाला सब्जेक्ट लिखते तभी तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते, अब वो सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है ऊपर, तो इसलिए जब बाई का यहाँ लगा उसे अच्छा कहाँ लगा दी? शुरुआत में लगा दी। ये सेंटेंस बन गया। तब बात समझ में आ गई क्यों भाई? तो ये बात घूम घूम को किसने बदल दिया? भाई हो। अगले टेंस की हैव टू वर्ब क्या लगाई हमने? ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे उठा के? अब महाभारत। इसमें तो बात सही लिखा हुआ है महाभारत के साथ क्यों है ना। अब पर थर्ड फॉर्म तो बाई की जगह पे हु वाले में क्या हो जाता है? बाई हो।
सेंटेंस में तुम्हें दे रहा हूँ जिससे तुम परेशान हो। क्वेश्चन है हु हैज स्टोलन हर प्लेन, ये कौन है, इसको बनाओ 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 तो लेना नहीं कर।
हिंदी इसमें अगर पहली बात मैंने बता दिया था पहले, जैसे एक और होम विल यू मर्डर, ये और बताऊंगा था होम विल यू मर्डर हत्यारा कौन है, सुनो तो इसमें हु लगा दिया, अब हु विल इसमें घंटा लगेगा क्यों सब्जेक्ट है नहीं, हु विल बी मर्डर्ड बाय यू, ऐसे बन आगे देखो मैं आज एक बात था है, तुम कहोगे क्वेश्चन वर्ड के साथ लेना चाहिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव जैसे ही बनते हैं दोबारा कैसे देखो, हु लव्स यू तुम्हें कौन ब्लेम करता है, ये बताओ तुम्हें कौन से टेंस में है, इंटरोगेटिव प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में तो ऐसे आईएस लगता ही नहीं है, इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, कायदा में तो ये ऐसे बनना चाहिए, हु डिड ऐसे बनना चाहिए क्यों, लेकिन हु जो होता है वो अफर्मेटिव जैसा ही बनता है, इसीलिए हु वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहे एक बारी आए चाहे दो बारी आए लगेगी वो इकट्ठी, वो ही काम करने लगता है किसका सब्जेक्ट में, समझ रहे हो बात, आज मैं 9 बजे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा किसकी, केवल आधे घंटे, आधे घंटे 40-45 मिनट वैसे 22 का टॉपिक है, तो पहले मैं 7:30 बजे पढ़ाने जा रहा था, दुकान सर बोले और क्लास होगी, तो 9 बजे से मैं 9:45 तक आपको कराऊंगा, तुम्हारे में सबके में गूगल मीट है, मैं भेजूंगा आप लिंक ज्वाइन कर लेना, तो मेरे इस नंबर पे हाय का मैसेज दे देना, हाय लिखिए अभिनंदन बोल देना है ना, अभिनंदन लिख देना थोड़ा सा, ये हाय लिख के पूरनपुर लिख देना है ना, सही है इस नंबर पे, तभी मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, ठीक, हाय के पैसे भाई रहते लिए आज हमारा है ना कुछ तो हो ही आया, पहली दिन की क्या हो गई उस पे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, सब बच्चे जुड़ जाते हैं बात करते हैं बोलते हैं, कितना हो गया